भगवान शिव के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी है सीता माता की मृत्यु और भगवान शिव द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस की। दक्ष प्रजापति द्वारा अपने ही दामाद के अपमान और सती माता के बलिदान की कहानी आज भी कही जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि सती माता की मृत्यु में क्या था भगवान विष्णु का योगदान, क्यों और क्या मिला था भगवान विष्णु को श्राप, और किस वजह विष्णु और शिव के बीच हुई थी भयानक लड़ाई, जानेंगे हम आज ये सारी बात। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। भगवान विष्णु और शिवजी के बीच की लड़ाई की शुरुआत हुई उनके दो भक्तों के बीच की लड़ाई से। विष्णु भक्त राज शुभ और शिव भक्त महर्षि दिधीची का आपस में काफी मनमुटाव हो गया। दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ज्यादा महान कौन है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, ऋषि दधीची ने राजा क्षुभ पर घूसे से हमला कर दिया। जवाब में राजा ने भी उन पर हमला कर दिया जिससे दधीची घायल हो गए। अपने आप को शक्तिहीन पाकर दधीची ने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि भगवान शिव के पास संजीवनी विद्या है, अगर आप उनकी उपासना करेंगे तो आपका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। ऋषि दधीची ने ऐसा ही किया और इससे खुश होकर भगवान शिव की भक्ति दधीची ऋषि में प्रवेश कर गई। वज्र समान कठोर शरीर लेकर ऋषि दधीची वापस राजा क्षुभ के पास पहुँचे। उन्होंने राजा क्षुभ को जोर से लात मारी जिससे राजा क्षुभ बुरी तरह घायल हो गया। राजा क्षुभ ने दधीची पर अलग अलग दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया पर ऋषि दधीची पर किसी का भी असर नहीं हुआ। हार कर राजा क्षुभ ने अपने आराध्य भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने राजा को वचन दिया था कि वो ऋषि दधीची को हरा कर रहेंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें भगवान शिव का वरदान हासिल है इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें चाल चलनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ऋषि दधीची के पास जा पहुँचे और उनसे याचना की। ऋषि दधीची ने ब्राह्मण से कहा कि वो जानते हैं कि वो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु है, भगवान शिव की कृपा से उन्हें अतीत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो चुका है। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और ऋषि दधीची से कहा कि वो उनके पास याचक बनकर आए हैं और इसलिए ऋषि का फर्ज बनता है कि वो उनकी याचना पूरी करे। तब दधीची ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वो ये स्वीकार करे कि ऋषि भगवान विष्णु से डरते हैं। तब दधीची ने कहा कि वो भगवान शिव के अलावा किसी से नहीं डरते। ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ऋषि दधीची पर अपने सुदर्शन चक्र से हमला करवा दिया, पर सुदर्शन चक्र का ऋषि पर कोई असर नहीं पड़ा। तब ऋषि दधीची ने विष्णु जी से कहा कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान शिव से ही मिला है, इसलिए शिव भक्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने ऋषि पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पर उसका भी ऋषि पर कोई असर नहीं पड़ा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को अपने साथ मिला लिया और अलग अलग अस्त्रों से सभी देवी देव ऋषि पर हमला करने लगे। तब दधीची ऋषि से गुस्सा होकर सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया कि जिन भी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु का साथ दिया है और मुझे प्रताड़ित किया है उन सबको दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान शिव के खिलाफ भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता एक साथ आ गए थे इसलिए सभी देवताओं को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती का विवाह शिव जी से कराया, लेकिन वो कभी भी भगवान शिव को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सके थे। दक्ष हमेशा से विष्णु भक्त रहे थे और विष्णु भगवान जैसा पति ही अपनी बेटी के लिए पाना चाहते थे। कहा ये भी जाता है कि शिव जी के विवाह के दिन जब सिर्फ विष्णु को अत्यंत मनोहारी रूप में आए देख मैना उन्हें ही शिव जी समझ बैठी और नारद मुनि से पूछ बैठी कि क्या ये है शिव जी। तब नारद ने उन्हें बताया कि ये श्री विष्णु है। तभी शिव जी अपने गणों समेत वहाँ पधारे। ये गण सिंह हड्डी के आभूषण धारण करके यहाँ पधारे थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी का सर। शिव जी स्वयं नाग लपेट कर और भभूत लगा कर आए थे। ये दृश्य देख कर मैना देवी शोकाकुल होकर बेहोश हो गयी और होश में आने पर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। भगवान विष्णु के प्रति ऐसी अनुरक्ति के कारण दक्ष प्रजापति ने जब सभी देवताओं को अपने यज्ञ में बुलाया तो उसमें भगवान शिव को शामिल नहीं किया। जब ऋषि दधीची को यह पता चला तो उन्होंने दक्ष से कहा कि यह क्या अपने अहंकार की शांति के लिए नहीं किया जाता। भगवान शिव को न बुलाकर वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं जिसकी सजा उन्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। पर दक्ष प्रजापति ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर भी सब देवताओं को बुला लिया। चाते ऋषि दधीची ने वहाँ पर पधारे भगवान विष्णु को ये चेतावनी दी थी कि इस समारोह में शामिल होकर आप भी पाप के भागी बनेंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पर इन सब के बावजूद समारोह चलता रहा। तब शिवजी के अपमान से दुखी सती माता अपने पिता के पास पहुँच गई।
पर दक्ष ने सबके सामने उनका और शिवजी का अपमान किया, जिससे आहत होकर सती माता ने यज्ञ की अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर दी। जब इसका पता भगवान शिव को चला तो उन्होंने भयंकर हाहाकार मचाया। वीरभद्र भगवान शिव का रौद्र रूप था, जो भगवान के गुस्से से पैदा हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर भयंकर विध्वंस मचाया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। वहां मौजूद विष्णु भगवान और अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से माफी मांगी कि शायद दधीचि ऋषि के श्रापों का ही ये परिणाम है कि आज उन्हें ये विध्वंस देखना पड़ा। कहीं न कहीं इन सब के लिए वो उत्तरदायी है। पर भगवान शिव इतने अधिक दुखी थे कि वो सती माता के मृत शरीर को लेकर घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सती माता के शरीर को कई अंशों में बांट दिया और अपने सुदर्शन चक्र से सारे अंग इधर उधर छितरा दिए। जहाँ ये अंग गिरे, वहाँ देवी के शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस तरह भगवान विष्णु ने सती माता के बलिदान में भगवान विष्णु ने जाने अनजाने निभाई थी भूमिका। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।